बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बेसिलिनियम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा जिसम के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन सी कम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिलिनियम ये एक नसोड है और इस मेडिसिन को हम स्पूटम को कल्चर करके जो ना ये मेडिसिन तैयार की जाती है और ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक और लंग्स के लिए बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको लंग्स पे बार बार इन्फेक्शन होता है और वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक सिगरेट का इस्तेमाल करते हो और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो और उसकी वजह से जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है ना वो डायबिटीज महसूस करता हो और पेशेंट में एक एग्जॉस्टिंग जो है ना वो सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, ऑल टाइम जो है ना एक लेथार्जिक कंडीशन वो देखने में आती हो और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनमें एक जो एज के साथ साथ जो उनकी इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर होती है और पेशेंट को जो है ना एक वोपिंग कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी जिसे हम पंजाबी में हुक्के वाली खांसी जो है ना वो कहते हैं कि यानी ऐसा पेशेंट जो है ना वो खांसता हो कि जैसे अंदर से हुक्के की तरह जो है ना उनको आवाज़ वोपिंग कफ जो है ना एक कटार जो है ना एक साउंड जो है ना वो देखने में आती हो और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक रेस्टलेस कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो और इस कफ जो है ना क्रोनिक कफ की वजह से पेशेंट को जो है ना एक इंसोमिया का इशू जो है ना वो देखने में आता हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। ये एक रिस्पायरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन और लंग्स के इन्फेक्शन की बहुत ही अहम रेमेडी है। तो अगर किसी पेशेंट को एक ब्रोंकाइटिस का सिम्टम है या फिर किसी को ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहे हैं तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे कौन कौन सी कम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं तो ये मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसे हम कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको लेने का तरीका बताऊँगा। सबसे पहले हम माइंड के सिम्टम की तरफ देखते हैं तो ऐसे बुज़ुर्ग लोग जिनको जो है ना क्रोनिक कफ का सिम्टम देखने में आता है तो उस शदीद कफ की वजह से ना एक सर पे जो है ना एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो और उनको ऐसा महसूस होता हो कि जैसे उनका जो सर है वो किसी ने ज़ोर से जो है ना वो बांध दिया हो और उसमें एक कंस्ट्रक्टेड लाइक जो है ना वो सेंसेशन इस तरह का सहस होता हो और पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है ना एक रेस्टलेस होता हो, चिड़चिड़ापन पेशेंट में होता हो। तो चूंकि ये एक रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की बहुत ही अहम मेडिसिन है तो ऐसे बुज़ुर्ग लोग जिनको लंबे समय से कोई भी डिजीज़ का इशू जो है ना वो चल रहा होता है तो उसकी वजह से पेशेंट को एक सर पे दर्द का सिम्टम जो है ना वो अक्सर देखने में आता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है ना एक रेस्टलेस होता है, उसको जो है ना एक स्लीप एपनिया की कंडीशन देखने में आती है, यानी जैसे ही वो लेटता है तो उनको जो है ना एक सफोकेशन का एहसास होता है तो वो उठ के बैठ जाता है तो उसकी वजह से पेशेंट जो है ना बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस होता है, उसमें एक डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है और उसकी वजह से पेशेंट जो है ना एक बहुत ही गुस्से वाली जो है ना वो हैबिट रखता है। तो अगर किसी को माइंड में इस तरह के सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा हो, यानी पेशेंट बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है और उसमें एक इस तरह का एहसास है कि जैसे किसी ने सर जो है वो ज़ोर से बांध दिया हो तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये मेडिसिन आँखों पे भी एक्यूट कंजक्टिवाइटिस में भी बहुत ही अच्छा असर करती है, यानी आँखों में अगर किसी को किसी तरह की चुभन हो रही हो, उसमें एक ड्राइनेस हो और आँखों से जो है ना शदीद किस्म की इचिंग देखने में आती हो, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। वो हेड वाले रीजन पर जो है ना एक टीनिया फंगल इन्फेक्शन का इशू देखने में आ रहा हो, मैं साइड पर पिक लगा दूँगा, आप देख भी रहे होंगे कि अगर किसी को हेड पे इस तरह का एक फंगल इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन में एक राउंड वर्म में जो हेयर्स हैं वो रिमूव हो रहे हों, जो बाल है वो गिर रहे हों तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। पेट की रीजन की तरफ देखें
तो ऐसे लोग जिनको जो है ना एक पेट के मेसेंट्रिक जो लिम्फ नोड है वो स्वेल कर गए हो, और जैसे ही वो खाना खाते हो तो उनको जो है ना एक खाने की हाजत जो है ना वो होती हो, तो इस तरह के सिम्टम जो है ना वो अल्लोज से भी मिलते हैं। तो अगर किसी पेशेंट के जो खाना खाने के बाद पेट में जो है ना वो डाइजेशन कमज़ोर हो और उसकी वजह से पेट के जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड है वो स्वेल कर गए हो, तो उसकी वजह से पेट जो है ना वो जैसे ही खाना खाते हो तो वो फौरन जो है ना और खाना जो है ना उनको आ जाता हो, तो उस डाइजेशन कमज़ोर हो और जो पेट में हल्का सा जो है ना एक दर्द की कैफियत जो है ना वो देखने में आती हो। पेशेंट तो के अगर पेट के जो है ना एब्डोमेन के मेसेंट्रिक लिम्फ नोड जो है ना वो स्वेल कर गए हो और पेट के जो है ना वो जैसे ही वो खाना खाता हो तो उसको जो है ना स्टूल पास आउट करने की जो है ना वो हाजत होती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो इस तरह के सिम्टम जो है ना वो अलोज से भी मिलते हैं, यानी जैसे ही पेशेंट खाना खाता है तो उसको फ़ौरन पखाने की जो है ना वो हाजत होती है। तो अगर किसी को क्रोनिक इस तरह का सिम्टम देखने में आ रहा है तो वो इस मेडिसिन के साथ जो है ना वो अलोज को भी इस्तेमाल करे, तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है ना वो पेशेंट को देगी, ताकि अगर किसी का डाइजेशन वीक हो और पेशेंट को खाना खाने के बाद फौरन जो है ना अनडाइजेस्ट जो है ना वो स्टूल पास आउट करने की अर्जो और पेट के जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड है वो स्वेल कर गए हों, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जब देखें तो चूंकि ये एक स्पूटम से कल्चर करके ये मेडिसिन जो है ना वो तैयार की जाती है, तो अगर किसी पेशेंट के जो लंग्स की इम्यूनिटी कमज़ोर है और उसको जो है ना एक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम देखने में आ रहा है, या फिर किसी को ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आ रहा है, या किसी को क्रोनिक कफ जो है ना वो सिम्टम देखने में आ रहा है, यानी अगर किसी को लंबे समय से एक कफ का सिम्टम देखने में आ रहा है और उसके साथ साथ जो बुजुर्ग है या किसी को ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, तो वो जैसे ही वो लेटता है तो उसको क्रोनिक कफ की वजह से या एक स्लीप एपनिया का इशू देखने में आता है, यानी जैसे ही वो लेटता है उसको जो है ना एक सांस में जो सफोकेशन होती है वो खांसी होती है, वो पेशेंट उठ के बैठ जाता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है और उसमें बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन जो है ना वो देखने में आता है। तो उसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट को बार बार जो है ना एक सर्दी की वजह से फ्लू का सिम्टम देखने में आ रहा है या इन्फ्लुएंजा का सर्दी खांसी और बुखार का सिम्टम देखने में आ रहा है, यानी जैसे जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता हो तो पेशेंट को जो है ना बार बार एक सर्दी खांसी और बुखार का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्गों की क्रोनिक कफ की बहुत ही अहम मेडिसिन है, ये उनकी जो इम्यूनिटी है उसको इनहेंस करेगी और उसकी वजह से जो उनको लेटने की वजह से जो उनको एक कफ का सिम्टम देखने में आता है और सांस में सफोकेशन का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये पेशेंट को जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको स्किन के ऊपर रिंग वर्म का इशू है या फिर किसी को टीनी या फंगल इन्फेक्शन का इशू है और उस इन्फेक्शन की वजह से जो पेशेंट है उसको राउंड वर्म में जो इन्फेक्शन हुआ है उसमें जो बाल है वो गिर रहे हो, तो ऐसे इन्फेक्शन की वजह से अगर किसी को एक्जिमा का इशू आ रहा है या फिर किसी को सोरायसिस का इशू देखने में आ रहा है, तो स्किन डिजीज में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है, यानी ऐसा एक्जिमा जिसमें या तो उसमें पस की डिपोजिशन हो रही हो या फिर उसमें जो है ना एक ड्राइनेस जो है ना देखने में आती हो या फिर जिस्म के ऊपर जो है ना एक क्रैक बन गई हो तो उसमें बहुत ज़्यादा एक इचिंग हो खारिश हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। एक्शन है जो एग्रावेशन है वो सर्दी से जो है ना वो पेशेंट बहुत ज़्यादा एहसास होता है और इस तरह के जिस पेशेंट जो बेसिलिन का पेशेंट होता है उसको जो सर्दी है उससे बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन होती है, जैसे ही पेशेंट जो है ना वो सर्दी से उसको कोल्डनेस हो गई उसमें एक जो है ना एक आवाज़ जो है ना वो बैठ जाएगी, उसके साथ साथ पेशेंट को अस्थमा का सिम्टम देखने में आएगा और उसके जैसे ही सर्दी होगी पेशेंट को जो है ना बार बार नज़ला जुकाम और बुखार का सिम्टम जो है ना वो देखने में आएगा, उसके साथ साथ जो पेशेंट को चेस्ट वाले रीजन पे जो है ना एक वोपिंग कफ का सिम्टम देखने में आएगा, तो पेशेंट जो है ना वो बेसिलिन का जो पेशेंट होता है वो सर्दी से बहुत ज़्यादा एहसास होता है और गर्मी से पेशेंट को जो है ना वो रोड़ी से राहत मिलती है, तो अगर कोई पेशेंट है उसको गर्मी से थोड़ा सा सुकून महसूस होता है और सर्दी से पेशेंट जो है ना वो एहसास होता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिलिनियम इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिलिनियम इसे हमें
ट्यूबरक्लोसिस के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे हमारे ओल्ड एज जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनमें स्लीप एपनिया का इशू देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी का डाइजेशन वीक है और उनके जो मेसेंटरिक लिम्फ नोड है वो स्वेल कर गए हों, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये स्कैल्प पे जो टीन या फंगल इन्फेक्शन का इशू होता है उसमें जो बाल जो है ना वो एक राउंड फॉर्म में जो है ना गिर रहे हों, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे जो है वो मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज से रिलेटेड जो है वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।